इंडस्ट्री में जब अभी आप एंटर हुई हैं तो फेवरेटिज्म, कनेक्शंस, नेपोटिज्म ऐसी बातें बहुत सुनते हैं, आपको कुछ खुद पर्सनली फेस करना पड़ा है या आपका जर्नी अभी तक काफ़ी स्मूथ गया है? यार अगर राबिया मैं आपसे ये कहूँगी कि ये नहीं है तो मैं गलत कहूँगी, ठीक है? क्योंकि ये होता है, आपके फेवरेट्स को काम भी मिलता है, जिनके कनेक्शंस होते हैं, सब लोग उनके लोगों के ग्रुप्स बने हुए हैं, वहीं से कास्टिंग हो रही है, यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ अ सर्टेन ग्रुप टू यू नो मूव फॉरवर्ड में जाने के लिए, या बट आई थिंक क्राफ्ट विंस एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज मैंने बड़ी कोशिश की कि यू नो मैं मुझसे नहीं मैं नहीं कर सकती कि मैं आपके साथ भी चमी चमी हो रही हूँ, उधर भी चमी चमी हो रही हूँ, मुझे काम करना है, काम की बेस पे जो मुझे कोई आगे ले जाएगा तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, रिस्क तो अल्लाह मियाँ देते हैं ना, काम वो देते हैं। तो बड़ी मैं डिसहार्ट होती थी कि यार मुझे पता है कि शायद मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन इस इंसान से बहुत बेहतर हूँ यार जो इस टाइम ये काम कर रहा है, और मुझे पता है ये यहाँ पर क्यों है और मैं यहाँ पर क्यों नहीं हूँ, तो वो आपको फ़ील होता है ऑब्वियसली, बट फिर आप अपना फैसला अल्लाह मियाँ पर छोड़ दो। तो वो बट रूमी आई थिंक आई गॉट इट इन द फर्स्ट मीटिंग, आई वेंट टू मीट दिस पीपल एंड दे वर लाइक वी आर कास्टिंग फॉर अ शो एंड एवरीथिंग, और मैंने कहा मैंने एक सपोर्टिंग कर लिया बट आई वॉन्ट कि मैं यू नो आई वॉन्ट टू डू अ लीड प्रोजेक्ट एंड आई नो आई हैव दिस पोटेंशियल इफ देर इज अ चांस गिवन, सो दे लाइक वी आर डूइंग दिस, इफ यू डू दिस यू नो अगर ये समझ में आया तो, और वही हुआ रूमी के बाद इंशाल्लाह जो अब नया प्रोजेक्ट आ रहा है आई एम सो एक्साइटेड, जस्ट वीक एंड हाफ टू गो एंड इट विल बी ऑन एयर, वी हैव शॉट हाफ ऑफ इट अल्हम्दुलिल्लाह एंड दैट्स व्हेयर आई आल्सो, ओके सो ठीक है हम उस पे आते हैं, उसमें डिटेल में बात करते हैं जब हम जर्नी के जैसे जैसे हम चलते जा रहे हैं। तो आपका क्या चैलेंज था आपके सफर में, जो भी एक्टिंग में जब रोल्स नहीं मिलते थे, रोल्स अच्छे आके हाथ से निकल जाते थे, क्या हो रहा था? आपको काम ऑफर हो रहा होता है, मुझे काम ऑफर हो रहा था, मुझे स्क्रिप्ट भी ऑफर हो रहे थे, लेकिन मुझे एक लीड कैरेक्टर भी ऑफर हुआ था, बट वही रोती धोती लड़की जो पिट के आ गई है अपने मियाँ से या एक टॉक्सिक वो वाला है, तो मैं फरा भी कोई रोती धोती लड़की नहीं थी और रूमी भी कोई रोती धोती लड़की नहीं है, और जो मैं अगला कैरेक्टर भी करी हूँ वो भी कोई मैं नहीं हूँ वो लड़की, तो मैं वो पोर्ट्रे नहीं करूँगी। आई नो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मासेस हियर, बट व्हेन यू आर ऑन टेलीविजन यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यू नो यू आर कन्वेइंग समथिंग, सो ये वाला काम ऑफर हो रहा था तो मुझे था कि नहीं ये मुझे नहीं करना, कम काम कर लेंगे लेकिन अच्छा काम करेंगे, और बस इसी वजह से आई वाज जस्ट वेटिंग। ओके या आपका आपने एक कुछ अरसे पहले एक एक्सपीरियंस अपना शेयर किया था कि किसी ने आपको किसी डायरेक्टर का नोन डायरेक्टर का नंबर दिया, या और तो आप वो शेयर करना चाहेंगी पूरा किस्सा? इसलिए पूछ रही हूँ कि मुझे लगता है कि जो नए लड़के लड़कियाँ आ रही हैं, स्पेशली लड़कियाँ आ रही हैं, उनको बड़ा सीखने को मिलेगा आपके इस एक्सपीरियंस से, क्योंकि कोई बात नहीं करता बाहर से, तो सबको लग रहा है ना कि ओ आप इतनी ग्लैमरस लग रही हैं, आप इतनी अच्छी लग रही हैं, दोनों प्रोजेक्ट्स आ गए, तीसरे में लीड करिए, तो सब चीज़ें बड़ी स्मूथ जा रही होंगी, लेकिन एक्चुअली तो ऐसा नहीं है बिल्कुल ऐसा नहीं है। सो मैं हमसफर पे ही काम कर रही थी और हमसफर पे ही मेरी एक को एक्टर थी, उन्होंने मुझे कहा कि दिस डायरेक्टर इज कास्टिंग फॉर अ प्ले, सो आई थिंक यू शुड मीट हिम एंड ही इज अ बिग डायरेक्टर। आई वाज लाइक ओके आप मुझे नंबर दे दे, बिकॉज दिस इज हाउ दिस वर्क्स, आप अपना पोर्टफोलियो भेजते हो, काम आपको मिल जाता है। मैंने उन्हें घर जाके मैसेज कर दिया, मैंने उन्हें मैसेज किया तो मुझे उनके बड़े शॉर्ट शॉर्ट से रिप्लाईज आना शुरू हो गए, बड़े मैं अच्छा आपने क्या, और अजीब अजीब से ना आपको थोड़ा सा शेडी फील हो रहा है, मैंने कहा मैं आपसे ना कॉल पे बात करती हूँ, मैं आपको कॉल करती हूँ, मैंने कहा शायद मैं गलत समझ रही हूँ। मैंने उन्हें कॉल की तो दे वर लाइक हम आपका एक ऑडिशन करेंगे, मैंने कहा सर मुझे बताएं व्हाट इज़ द स्टोरी, व्हाट इज़ द कैरेक्टर, इट्स अ लीड कैरेक्टर एंड इट्स इन अ मूवी एंड आई एम लाइक He's such a big director. I am a new face. You have not seen me. You have not seen my work. उन्होंने मुझसे मेरा काम मांगा ही नहीं। Okay. मुझसे मेरी सिर्फ दो तस्वीरें मांगी। आप अगर कास्ट करें आप मुझे क्यों काम देंगे? You know, as an actor तो आपको लगता है कि वाह 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 मैंने कोई ज़िंदगी में बहुत बड़ा तीर मार दिया। लेकिन I was like no, I want to know more about it. So then this guy was like, अच्छा we will record in, we don't want to see your work, we will record an audition और उसी की बेस पे सब कुछ होगा। मैंने कहा चलिए ठीक है फिर मैं कल 3 बजे दोपहर को आ जाती हूँ। नहीं 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 आप रात को 11 बजे आ जाएँ। मैंने कहा रात को 11 बजे आ जाएँ अच्छा, एंड मैं जब भी ऑडिशन के लिए जाती हूँ ऑलवेज टेक somebody along या मेरा फ़ोन ऑन होता है जस्ट टू बी सेफ। ये भी अच्छी टिप्स हैं नोट करें। आई थिंक वी नीड टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। लड़कियों को खुद आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में सब लोग ऐसे हैं या होते हैं, बट कोई भी कहीं आपका फायदा उठा सकता है। बिल्कुल, तो इट्स ऑलवेज गुड, बेटर सेफ देन सॉरी। आप अपनी तैयारी रखिए, नॉट डाउटिंग एनीबडी एल्स, आपको अपनी तैयारी बिल्कुल रखनी चाहिए। तो आप आ जाएं और इस तरह हो जाएगा। और अच्छा हम आपको एक, मैंने कहा क्या होगा उस ऑडिशन में, इज देयर अ मोनोलॉग आप मुझे भेज दें दैट आई कैन, क्योंकि इसी तरह होते हैं सेंड यू मोनोलॉग्स, आप प्रिपेयर करते हो, आप वीडियो भेजते हो, आपका काम हो जाता है। आपका एक सिंगिंग ऑडिशन होगा
एक आपका डांसिंग ऑडिशन होगा, एक आपका वॉक करने का ऑडिशन होगा और एक पता नहीं किस चीज़ का ऑडिशन होगा. मैंने कहा मतलब अच्छा ठीक है, ये कुछ और ही है. मैंने कहा प्लीज़ इसको एलैबोरेट करें और क्या होगा ना, आपको एक क्रॉप टॉप पहनाएंगे और ये करेंगे और स्लीवलेस होंगे और आप शॉर्ट्स पहनेंगे एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ प्राइवेट ऑडिशन, वी विल मेक श्योर कि ये किसी के पास नहीं जाएगा, ये सिर्फ हमारे प्रोड्यूसर्स के पास जाएगा जो पैसा लगा रहे हैं. मैंने कहा मेरी बात सुनिए, मैं इस तरह के कपड़े ऑन स्क्रीन नहीं पहन सकती. ठीक है तो ऑडिशन लेने का क्या फ़ायदा है. हाँ तो नहीं 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 आप फिक्र ही मत करें और ये वो फलाना. और फिर मैंने फ़ोन बंद कर दिया. मैंने कहा इस बात पे कोई यकीन नहीं करेगा जो मेरी इस बंदे से बात हुई है. आई नीड प्रूफ. और मैंने वो सारी जो कॉन्वर्सेशन थी वो उनसे मैसेजेस पे बिल्ड की. मैंने कहा अच्छा सर आप क्या बता रहे थे, क्या ऑडिशन होगा, कौन से कपड़े पहनने हैं, तो वो सारे स्क्रीनशॉट्स मैंने जमा किए. उसके बाद फिर मीनवाइल आई वाज टॉकिंग, आई मैसेज महेश भाई के, बिकॉज मैंने कहा मुझे ऐसे ऐसे आ रहे हैं मैसेजेस और आई डोंट थिंक दिस इज़ राइट, तो आप प्लीज़ कन्फर्म कर सकते हैं ये बात. फिर मैंने एक और इंडस्ट्री में डायरेक्टर हैं उनको मैंने मैसेज किया. उन्होंने भी फिर मुझे एक चीज़ कन्फर्म करके बताई कि दिस इज़ नॉट द डायरेक्टर दैट देर टॉकिंग अबाउट, दिस इज सम स्कैम एंड यू नो दिस इज़ नॉट राइट. ओके सो दिस इज़ हाउ वी गॉट टू नो दिस. फिर आई पुट अप अ पोस्ट और जब जैसे ही मैंने वो पोस्ट की तो मुझे मेरी अपनी फ्रेंड्स हु आर जस्ट यू नो स्टार्टिंग ऑफ विद देयर करियर मॉडलिंग एंड एक्टिंग करियर, देयर लाइक द सेम नंबर मैसेज डस एंड द सेम नंबर कॉल डस एंड यू नो हमें तो लग रहा था कोई नंबर. फिर आपने नंबर को रिपोर्ट किया या कुछ? हमने रिपोर्ट किया, हमने साइबर क्राइम में मैंने ईमेल किए उनके सारे स्क्रीनशॉट्स एंड एवरीथिंग, देयर लाइक विल टेक केयर ऑफ दिस डोंट वरी. उसके बाद वो नंबर बंद हो गया, फिर वो नंबर ऑन नहीं हुआ. सी सो ऐसी चीजें होती हैं, इट्स यू ऑलवेज हैव टू बी केयरफुल. और कुछ पता नहीं वो किसी जगह बुला के कुछ कर लेते. अगर 90% बिल्कुल अगर 90% लोग ऐसे नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन वर्किंग फॉर अ ईयर एंड हाफ, 99% में बोलूंगी या 95% एक ही बुरा एक्सपीरियंस. बिल्कुल बिल्कुल. तो अगर मैं यहाँ पे लोग बिल्कुल उसी तरह काम करते हैं जैसे बाकी इंडस्ट्रीज में लोग काम कर रहे होते हैं. सो आप काम पे आते हो, आप काम से घर जाते हो, कोई आपके साथ कोई बदतमीजी गलत बात ये वो, ये जो एक अजीब सा बबल बना हुआ है मीडिया के अगेंस्ट, ऐसा कुछ नहीं होता. दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल. अब आप यहाँ पर आइए, फॉर दिस वन इंटरव्यू यू हैड टू प्रिपेयर फॉर सो लॉन्ग, फॉर दिस वन सीन वी प्रिपेयर फॉर सो लॉन्ग, सो दिस इज लाइक हार्ड वर्क. तो या उन डायरेक्टर को बताया कि आपके नाम से ये हो रहा है? ही कॉल्ड मी, ही वाज लाइक यस, ही मैसेज मी. मैंने उनका नंबर लिया, मैंने उन्हें स्क्रीनशॉट्स भेजे. मैंने कहा ये देखें, समबडी इज ट्राइंग टू डिफेम यू एंड दिस इज नॉट राइट. सो देन ही कॉल्ड मी एंड वी स्पोक एंड ही वाज लाइक थैंक यू सो मच दैट यू नो यू इन्वेस्टिगेट in everything or aise hi nahi you didn't put up a post like this. So aap dal sakti thi aur charon ka naam badnaam hota. I got a call from Jio and these guys were like please name the director. I was like why would I name him jab wo hai hi nahi, main unka kyun naam lu. So yeah, sahi baat hai. interesting yeah. kuch aur bhi bata rahi thi, share karna hai. ha to is crop top se mujhe ye baat yaad aayi ke ab Instagram pe I wear what I wear on my Instagram but it is not necessary that this is what I'm going to wear on the TV screen also. ठीक है ना, वो मेरी एक अपनी पर्सनल चॉइस है. मैं अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ और हूँ, मैं अपनी स्क्रीन लाइफ पे कुछ और हूँ. तो whenever I'll post a picture in sleeveless और मुझे मैसेजेस आ रहे होंगे हाँ तब तो तुम्हें क्रॉप टॉप नहीं पहननी थी, अब तुम अपने इंस्टाग्राम पे पिक्चर लगा रही हो एंड वॉट इज दिस बुलशिट एंड यू वर जस्ट ट्राइंग टू गेट अटेंशन एंड एवरीथिंग. बट पीपल आई थिंक डोंट सम टाइम्स दे फेल टू अंडरस्टैंड दैट इज माई पर्सनल लाइफ और व्हाटएवर आई एम शेयरिंग. इंस्टाग्राम इज वेरी पर्सनल टू मी. ठीक है, वहाँ पर मैं जो भी शेयर कर रही हूँ, आई हैव अ फैमिली देयर तो उनके साथ कर रही हूँ. बट स्क्रीन पे इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि अच्छा अगर मैं वहाँ कर रही हूँ तो मैं ये यहाँ पे ऑल्सो आपका कैरेक्टर क्या रिक्वायर करता है ना. ऑफ कोर्स वो फरा का कैरेक्टर एक क्रॉप टॉप, हां क्रॉप टॉप नहीं पहन सकता, बट हियर यू belonging to this generation Z या new generation and all those artists जो अभी आ रहे हैं, कभी कभी मेरे जहन में ये ख्याल आता है knowing Pakistan कि there is a big percentage जो थोड़ा conservative outlook है. yeah. so कभी आपको ख्याल आता है कि जब इस तरह के कपड़े पहन के आप picture लगाएं तो कितनी sensibilities जो हैं वो audiences की उनको थोड़ा सा आप touch कर रही होती हैं. हाँ तो while I believe that जो आप पहन रही हैं जो कर रही हैं वो आपका अपना decision है, but एक सर्टेन एनवायरनमेंट में भी तो हम लोग रह रहे हैं, राइट? ऑफ कोर्स. तो उनकी एंड व्हेन यू बिकम अ पब्लिक फिगर, यू आर अ पब्लिक फिगर, यस, फिर थोड़ा सा ये कहना कि नहीं मैं जो भी चाहूंगी करूंगी, यस यू कैन डू इट सर्टेन एक्सटेंट, यू नो उसके कुछ बाउंड्री से बाहर नहीं निकल सकते, ये एक फैक्ट है. बिल्कुल. हाउ मच डू यू कंसिडर कि जो ऑडियंसेज है या जो फैंस हैं आपके जो फॉलो कर रहे हैं उनकी सेंसिबिलिटीज को कितना आप जहन में रख के डिसाइड करती हैं कि मुझे क्या पिक्चर लगाना है क्या नहीं लगानी है. फिर ऑफ कोर्स उसमें से कभी कभी ऐसी तस्वीरें होती हैं जिन पे बैशिंग आती है जो वो लोग नहीं एक्सेप्ट कर पाते. हाँ. तो क्या लगता है आपको कि ये
चेंज करना चाहिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द ऑडियंसेस वांट और योर फैंस वांट, बिकॉज यू आर अ पब्लिक फिगर, वो हैं तो आप हैं, राइट? बिल्कुल है. एंड ऑफ कोर्स एवरीबॉडी वांट्स कि पॉजिटिव ही इमेज हो, कोई नहीं चाहता कि नेगेटिव बातें उसके बारे में. बिल्कुल. या आप बिलीव करती हैं कि नहीं यार, इनको भी थोड़ा सा हमें एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे हम हैं. या आई थिंक सो देयर इज अ वेरी थिन लाइन व्हेन इट कम्स टू दिस. आई बिलीव दैट यू नो व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू.